हेलो गाइस, हम लोग कितने दिन के बाद मिल रहे हैं। हेलो एवरीवन, चलो आज की कहानी है सारे जानवर सोच रहे हैं नए घर पे जाने के लिए। एक बार की बात है, सारे जानवर यह सोच रहे थे कि उन लोगों को नया घर चाहिए। हाथी भी सोच रहा था कि हम दूसरे जंगल रहने को जाते हैं, अब ये जंगल तो थोड़ा सुपर सुपर सा भी हो चुका है। गधा भी कहने लगा था कि हम दूसरे जंगल रहने को जाते हैं, अब ये जंगल तो थोड़ा सुपर सुपर सा भी हो चुका है। गधा भी कहने लगा ऐसी जगह चलो जहाँ खुशबू हो। फिर मधुमक्खी बोली ऐसी जगह चलो जहाँ फूल हो। फिर चिड़िया बोलने लगी ऐसी जगह चलो जहाँ पेड़ हो। फिर खरगोश बोलने लगा ऐसी जगह चलो जहाँ बहुत सारी गाजर और हरी हरी घास हो। गाय भी कहने लगी कि हाँ घास वाली जगह बहुत अच्छी रहती है। फिर सभी लोगों को नए जंगल में जाने के लिए बहुत उतावले थे, लेकिन अभी हमें रात होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें आज रात से पहले ही जाना है। सभी लोगों ने हामी भरी। अरे वाह, यहाँ पे जैसा सोचा था वैसे ही है, हरी हरी घास, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खुशबूदार फूल और एक पेड़। अरे मुझे तो धूप बहुत पसंद है और मुझे मजा भी आएगा। शेर तो अपना खुश हुआ। चिड़िया बोलने लगी कि मैं तिनका इकट्ठा करती हूँ। और फिर सभी चिड़िया थोड़ी चली गई। तभी बंदर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, कुछ अच्छा करना चाहिए मुझे। तभी बंदर सबसे कहता है कि देखो कर मधुमक्खी चली गई। मुझे तो शिकार ढूंढने जाना चाहिए। बाय दोस्तों। किसी को आना, मैं आराम से सोता हूँ। गाय तो कुछ सोच रही होती है कि हमारा पुराना घर मुझे बहुत याद आ रहा है। हाथी तभी उठ के आता है और कहता है अगर तुम्हें पुराने घर ही जाना था तो यहाँ क्यों आई।
लेकिन गाय को यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। वह गाय कहती है कि मैं वापिस जाना चाहती हूँ। सभी लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। तुम्हें अगर किसी शिकारी ने पकड़ लिया फिर गाय थोड़ी डर जाती है और वहीं रुक जाती है। तभी शेर शिकार से खा पी कर आता है। तुम सबको पता है यहाँ पे मुझे 5-5 शिकार मिले और 3 खरगोश थे और 4 हिरन। मजा आया। तभी गाय कहती है कि मैं कुछ काम से बाहर थोड़ा घूमने जा रही हूँ। गधा कहता है मैं गाय का पीछा करता हूँ। मुझे कहना ना पीछा क्या आप रखना रखो। ये लोग भी ना, मैं जरा और चीजें इकट्ठा करता हूँ। हाँ शेर जाओ, चलो मैं भी जाती हूँ, मैं भी अपना खेलता हूँ। तभी कुछ देर बाद यहाँ पे तो कोई नहीं है। हाँ अच्छा, तुम हमेशा चीखती रहती हो मधुमक्खी। ओहो, मुझे अभी चीखें आने शुरू हो गई हैं जब से मैं यहाँ आई हूँ। वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी डार्क विंग्स चालू हो जाती हैं, विंग्स काले बादल। फिर अचानक से वह उड़ जाते हैं, लेकिन चिड़िया और मधुमक्खी अपना घोंसला बना रहे होते हैं। चिड़िया हर एक फूल की खुशबू सुनते हुए यहाँ वहाँ खेल रही होती है। मधुमक्खी अपने छत्ते बनाने में जुटी हो रहती है। याहू! मेरा एक सुंदर मधुमक्खी का छत्ता बन गया है, लेकिन दोस्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ मधुमक्खी, हम लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गए थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मधुमक्खी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू डीपली, मे गॉड ब्लेस यू डीपली, मे गॉड ब्लेस यू डियर मक्खी, हैप्पी बर्थडे Mega bless you, baby. Mega bless you, dear monkey. Happy birthday to you. Yeah, thank you, खरगोश. तुमने मेरे लिए gift दिया. मुझे बहुत पसंद आया. कोई बात नहीं, मक्खी. तुम सबको मेरा बर्थडे याद था, लेकिन मैं तो भूल ही चुकी थी। ये मुझे बहुत खुशी है आज। और तभी बहुत बंदर आता है और वह कहता है कि मैं डांस करना चाहता हूँ। तो वह बंदर डांस करता है, वह सबको अपना डांस दिखा रहा होता है और खुशी से